आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज, मैं पुनीता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी से जूझ रहे अस्पताल में कैसे कार्य करें स्वास्थ्य कर्मी, बैठे धरने पर। लखनऊ सुरक्षात्मक उपकरणों और सैनिटाइजर की कमी से जूझ रहे निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमण व्यक्तियों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मी खुद ब खुद व अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही मामला आज लखनऊ में इंटीग्रल अस्पताल कुर्सी रोड पर देखने को मिला, जहां सैकड़ों महिला व पुरुष स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के देख रेख में लगे थे। पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरणों और सैनिटाइजर की कमी की वजह से आज अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उनकी मांगे थी कि जब तक अस्पताल प्रशासन हम लोगों को सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं कराएगा, तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। क्या था पूरा मामला बताते चले कि देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने निजी अस्पतालों को अपने साथ मिलाया है और उनसे कोरोना के मरीज को भर्ती करने को कहा गया है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल अस्पताल को भी लिया गया है, परंतु वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षात्मक उपकरणों व सैनिटाइजर की कमी की वजह से दिनांक 20 अप्रैल सोमवार को सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कार्य का बहिष्कार करते हुए परिसर में ही धरने पर बैठकर सुरक्षात्मक उपकरणों की मांग करने लगे। उनका कहना था कि इस बारे में हमें किसी तरीके का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तथा जब तक अस्पताल प्रशासन लिखित रूप में मुहैया नहीं कराएगा तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। हमारी सुरक्षा पहले होनी चाहिए, तब हम मरीजों को देख पाएंगे। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को समय से वेतन भी ना देने की बात सामने आ रही है। सभी लोगों का कहना है कि हमें मेडिकल सुरक्षात्मक किट उपलब्ध कराया जाए एवं मेरा वेतन समय से दिया जाए, हम कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे।